हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था RNFI यानी रैली पे के बारे में। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था RNFI के बारे में पूरी प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सर्विस मिलती है अपने कस्टमर को आप ऑफर कर सकते हैं। अगर आप RNFI यानी रैली पे की आप यूजर आईडी और पासवर्ड लेते हैं उसमें आपको कौन कौन सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं और कितना बेनिफिट्स आपको मिलता है, मैंने उसमें कमीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया था। मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रिटेलर बनने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप यानी RNFI अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं फिर आप उसी रिटेलर आईडी बन ले लेते हैं तो उसमें आपको कितने कितना कमीशन मिलेगा, कितना ट्रांजेक्शन में कमीशन मिलेगा और मैं ATM में कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो क्लास तक देखिए कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं APS कमीशन। दोस्तों अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से अगर आप किसी को पैसे निकालते हो तो कितना कमीशन मिलेगा। अगर आप यहाँ से 500 से लेकर 1000 रुपये तक किसी को आप यहाँ से पैसे या APS पैसे निकालते हो आपको रिटेलर को 1 रुपये मिलेगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से 0.25 मिलेगा, यहाँ से दोस्तों यहाँ पार्टनर को भी 0.25 आपको यहाँ से मिलेगा। अगर 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये करते हैं तो आपको रिटेलर को 2 रुपये मिलेगा, यहाँ से 50 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, 50 पैसे आपको यहाँ से पार्टनर्स को भी मिलेगा। 1500 से लेकर 2000 करते हैं 3 रुपये रिटेलर को मिलेगा, 50 पैसे पार्टनर और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगा। 2001 से लेकर 2500 करते हैं 4000 रुपये आपको यहाँ से रिटेलर को मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 50 पैसे ऐसे इस तरीके से इन लोगों को दिया जाता है। और यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर आप यहाँ से 3000 से 1 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक करते हैं 7 रुपये आपको मिलेगा रिटेलर को, 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को, 1 रुपये पार्टनर्स को मिलेगा। 3500 से लेकर आप 10000 करते हैं तो 7.5 रुपये यहाँ से दोस्तों मिलता है रिटेलर को, 1 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को, 1 रुपये पार्टनर को, जो कि हाईएस्ट इसका यहाँ से कमीशन दिया गया है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फ्लाइट कमीशन में। अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं 100% टोटल कमीशन आपको यहाँ से दिया गया है, 0.4% बेस यहाँ से फंड मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, पार्टनर्स को यहाँ से 0.05% का आपको यहाँ से कमीशन मिलता है। इसके बाद रिचार्ज कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर यूजर का यहाँ से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आप यहाँ से करते हैं जियो में अगर 0.1 रुपये मिलता है और यहाँ से अदर को भी 0.1 रुपये में, अगर पार्टनर करता है तो 0.1 यहाँ से भी इसको मिलता है, अदर को भी 0.1 मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से 0.3 मिलता है, 0.3 यहाँ से इसको भी मिलता है। पार्टनर अगर रिटेलर के यहाँ से करता है दोस्तों, अगर रिटेलर करता है तो 2.5 रुपये यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा यहाँ से और 1.5 यहाँ से मिलता है अदर में। इसके बाद दोस्तों BBPS यानी बिल पेमेंट बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर रिटेलर यहाँ से चार्ज करता है तो 0.2% मिलता है यहाँ से, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को 0.14% मिलता है और यहाँ से कमीशन इसको यहाँ से 0.1% मिलता है। इसके बाद फ्रेंड कुछ ये कमीशन है जो कि ऑफर्स मिलते रहते हैं, अगर इन्हें ऑफर है तो आप इनसे इस तरीके से आप यहाँ से कमीशन भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें इंश्योरेंस संबंधित कुछ कमीशन मिलते हैं 2 व्हीलर से यहाँ से 4 व्हीलर का, और हेल्थ इंश्योरेंस यानी आप यहाँ से इंसानों के इंश्योरेंस करते हैं 4 व्हीलर के इंश्योरेंस और 2 व्हीलर के इंश्योरेंस करते हैं इसमें भी आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। यहाँ से कुछ एनुअल प्लान चलते रहते हैं, अगर आप इन्हें डेली कैश प्लान जो जिसे कहते हैं, अगर ये भी प्लान आप 400 ले लेते हैं तो इसमें से भी आपको अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं, इसमें से भी आपको 30 डेज का रहता है, इसमें से भी आपको कुछ कमीशन दिया जाता है। फिर ये मॉस्किटो यानी जो मच्छर काटने से उनसे भी इंश्योरेंस होता है, अगर इंश्योरेंस कोई करवाता है आपके थ्रू तो इसमें से आपको कुछ कमीशन भी इसमें से आपको दिया जाता है। फिर ये माइक्रो ATM भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है जिनमें माइक्रो ATM जब अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं उसमें आपको कमीशन मिलता है, वो कमीशन टाइम टाइम बदलते रहते हैं। अगर आप इसका माइक्रो ATM लेना चाहते हैं आपको यहाँ से 6500 रुपये में आप इसका माइक्रो ATM का कमीशन आप ले सकते हैं, और यहाँ से कैश डिपॉजिट बैलेंस की इंक्वायरी ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर इसे मंगाना चाहते आप बहुत ही आसानी से मंगा सकते हैं। फिर इनका दोस्तों एक COVID-19 का भी प्लान चल रहा है, जिन्हें आप COVID-19 का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उनका प्लान भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, 1 ईयर का दिया गया एज लिमिट, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देगी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये दोस्तों अपना ग्राहक कार्ड भी प्रोवाइड कराते हैं, अगर इनका कार्ड लेना देखना चाहते हैं आप यहाँ कार्ड भी देख सकते हैं। फिर ये ऑन ड्यूटी का आपके ग्राहक सेवा केंद्र का आपको यहाँ से भी प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप यहाँ से किसी भी तरह से लॉकडाउन में बिजी हैं तो आप यहाँ से इसे भी ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड यही थे पूरा कमीशन जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, जो कि रैली पे यानी RNFI जितने भी कमीशन थे मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया कितना कमीशन आपको किस में मिलता है, मैंने पूरी इस वीडियो में जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा, और आप मन कोई डाउट कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक के जोर पर क्लिक किया जिससे हम जितने भी यूज़ पर नोटिस कट पे रुझान लाते रहता हूँ उसका नोटिस आपको पहुँचता रहेगा। मैं जल्दी लूँगा एक नई वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए।